काशीपुर के देवरपन फूड्स को आखिर कौन नहीं जानता। देवरपन फूड जहां एक तरफ लोगों के बीच अपने स्वाद के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे कि चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, स्वीट्स आदि। साथ ही साथ देवरपन फूड्स बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट प्रोवाइड कराकर उनके सर्वांगीण विकास में भी अपना योगदान देता आया है। बीते रोज किच्चा का एक नामी स्कूल देवरपन फूड्स पहुंचा, जहां बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट दी गई। इस दौरान बच्चों ने मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस देखकर कई सारी चीजें सीखी। आप भी देखें इस इंडस्ट्रियल विजिट की कुछ झलकियां। देखिए, आज जो बच्चे आ रहे हैं, किच्चा का एक स्कूल है, उससे करीब 76 बच्चे हैं, वो जो 11th एंड 12th के बच्चे हैं, उनका कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा है प्लांट विजिट का। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ अपने प्लांट में, ये फूड प्लांट है, काफ़ी एक हाईटेक प्लांट है, जहाँ पे हम अपना पोटैटो चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, कुरकुरे हो गया, रिंग हो गया, पफ हो गया, इसके साथ साथ मिठाइयाँ भी बनती हैं हमारे यहाँ। तो बेसिकली जो काशीपुर के आसपास के शहर के जितने भी स्कूल हैं, हर तरह के बच्चे यहाँ पे आते हैं। मतलब आप ये लगा लें कि 4th-5th क्लास से लेकर के सीनियर क्लास तक, इसके अलावा जो IIM काशीपुर है या और अन्य जो यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ के भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। और हर साल मतलब आप ये लगा लें कि 10 से 15 बजे ड्यूटी होती रहती है। तो आज जो बच्चों का कार्यक्रम है, उनको पहले हम क्या करेंगे कि पहले उनको अंदर लेकर के आएंगे प्लांट में। फिर हमारी टीम होती है, जैसे क्वालिटी की टीम होती है, प्रोडक्शन की टीम होती है, जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके एक एक साथ हम ग्रुप में लगा देते हैं साथ में। जैसे मान लीजिए 76 बच्चे हैं, तो उनको दो ग्रुप में हम बांट देंगे। एक ग्रुप को लेकर के अपना प्लांट का विजिट कराएंगे, जैसे पोटैटो चिप्स है, उसके बाद फिर कुरकुरे की लाइन है, फिर नूडल्स की लाइन है, फिर नमकीन की लाइन है, इसी तरह से स्वीट्स की लाइन है। सारी लाइनों पे हम उनको बताते हैं कि देखो कैसे हम जो है RMPM का प्रोसेस करते हैं, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद किस तरह से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद कैसे वो पैक होता है, पैक होने के बाद कैसे बाहर निकलता है, और फिर वो डिस्पैच के लिए चला जाता है। ये सारी चीज़ें उनको क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो देखो स्कूल में क्या होता है कि पढ़ाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे उनको एक तरह से प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं कि देखो आप किस तरह से प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है, ये सारी जानकारी उनको मिलती है। साथ में उनके टीचर्स भी आते हैं, वो भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं यहाँ पे आने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के कार्यक्रम में आप भी देखेंगे। उनके साथ अगर आप विजिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम किस तरह से विजिट कराते हैं। सर्वप्रथम तो स्वागत जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है हमारी देवरपन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में। मैं कपिल दीप प्रजापति, यहाँ HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हूँ। और हमारे यहाँ जो पर मंथ में कई बच्चों की शैक्षिक भ्रमण विजिट रहती है, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों को किताबी ज्ञान से हटके कुछ अपनी इंडस्ट्री या किस तरह से हम वर्किंग करते हैं फूड में, किस तरह से हाइजीन मेंटेन होती है, क्या प्रोटोकॉल्स होती हैं, उस चीज़ को हम बच्चों को दिखाते हैं, ताकि बच्चे के मन में जो भ्रांतियाँ फैली पड़ी हैं कि लोग कुरकुरे के अंदर प्लास्टिक है या सही से नहीं बनाते हैं, ये तो उन चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं। हाँ, प्रोडक्ट जो हमारा बनता है बिल्कुल सेफ बनता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और अपना पूरी ही गाइडलाइंस पर बनता है फूड सेफ्टी की।